गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पेंटिंग व्लॉग्स विद त्रिवेणी का। सो नए साल की पहली पेंटिंग लेकर मैं आ गई हूँ आप सब लोगों के सामने। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज की जो वीडियो है वो बहुत ही खास वीडियो है जो बिगिनर्स हैं उनके लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैंने शेयर किए हैं 5 पॉइंट्स जो कि आपको ज़रूर जानने चाहिए जब भी आप मधुबनी पेंटिंग बनाएं। और इसके साथ ही मैंने आपके साथ शेयर किया है एक बोनस पॉइंट जो कि वीडियो के एंड में है। तो आपको अगर ये सारी चीज़ें जाननी है तो वीडियो को पूरा देखिएगा। 5 जो पॉइंट्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगी, तो यहाँ पर मैं कोई निब यूज़ नहीं कर रही हूँ, कोई इंक यूज़ नहीं कर रही हूँ। मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ जस्ट सिंपल जेल पेन। सो ये मेरा ये जो जेल पेन है ये एल्कोस का जेल पेन है। आप कोई भी जेल पेन ले सकते हैं, बट मेक श्योर कि वो वाटर प्रूफ हो। और यहाँ पर लाइन्स ड्रॉ करने के लिए, क्योंकि अभी आप बिगिनर हैं और अभी आपको बहुत ज़्यादा हाथ आपका सदा हुआ नहीं है, तो आप स्केल यूज़ कर सकते हैं। बट जब धीरे धीरे आप प्रैक्टिस आपको हर चीज़ की हो जाए तो फिर आप उसको पूरा ओरिजिनल तरीके से बनाना शुरू कर सकते हैं। सो यहाँ पर ये जो वीडियो है ना, ये बिल्कुल बिगनर्स के लिए है। तो अगर आपको ड्राइंग नहीं भी आती है ना तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। सो कलर्स की बात भी कर लेते हैं। कलर्स में यहाँ पर यूज़ करूँगी जो वाटर कलर यूज़ करूँगी, आप कोई भी कलर्स यूज़ कर सकते हैं, एक्रिलिक कलर्स यूज़ कर सकते हैं, गौश कलर्स यूज़ कर सकते हैं, वाटर कलर, पोस्टर कलर, आप कोई भी कलर्स यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट जस्ट लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको हमेशा से बताया है कि हमेशा हमें फर्स्ट जो मधुबनी पेंटिंग बना, जब भी हम बनाएंगे तब हमें सबसे पहले उसका बॉर्डर ड्रॉ करना है। सो बहुत ही आसान सा बॉर्डर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगी, लेकिन हमेशा एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये फर्स्ट पॉइंट है इस वीडियो का, कि जब भी आप बॉर्डर बनाए ना उसमें एक ट्रिक यूज़ कीजिएगा कि आप हमेशा कलर्स जब यूज़ करें तो उसमें ब्राइट कलर्स यूज़ कीजिएगा, और ऐसे कलर्स यूज़ करें जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, तभी आपका जो बॉर्डर है वो बहुत अट्रैक्टिव लगेगा और बहुत ही सुंदर बनेगा। सो यहाँ पर इस तरीके से मैंने ये जो मेरा पेपर है ये A5 साइज़ का पेपर है, और इसमें इस तरीके से मैंने 1 इंच के अराउंड ये बॉर्डर ड्रॉ किया है। और कोई भी डिज़ाइन आप इसमें बना सकते हैं। आप जानते हैं कि मधुबनी पेंटिंग जो है ज्योमेट्रिकल पैटर्न से बनाई जाती है, तो आप कोई भी यहाँ पर पैटर्न यूज़ कर सकते हैं। सो काम आपको जो करना है बॉर्डर में वो बहुत ही ध्यान से करना है और बहुत ही अच्छे से धीरे धीरे आप कर सकते हैं। कोई भी यहाँ पे टाइम बाउंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, आराम से कीजिए, खुश होके कीजिए, मस्त होके कीजिए, तो डिज़ाइन आपका जो है वो डेफिनेटली बहुत सुंदर बनेगा। सो आज का जो सेकंड पॉइंट है वो है कलरिंग को लेकर। बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं कि मैम, हमारा जो पेंटिंग है, हमारी जो डिज़ाइन है, वो उतना अट्रैक्टिव क्यों नहीं लगता है। यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है जो आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन मेरी वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ सारी चीज़ें बिल्कुल ईजिली शेयर कर देती हूँ। सो वो क्या है कि देखिए, जैसे आप कभी भी डार्क कलर यूज़ करते हैं उसके साथ हमेशा कॉम्प्लीमेंट कीजिए लाइट कलर को, तो वो दोनों कलर बहुत सुंदर उभर के आते हैं। अगर आप दोनों डार्क डार्क यूज़ कर देंगे, दोनों लाइट लाइट यूज़ कर देंगे, तो वो उतना इफ़ेक्टिव नहीं लगता है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जो बॉर्डर है वो कम्प्लीटली रेडी हो गया है, और आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। सो अब आती है बारी हमारे मेन डिज़ाइन ड्रॉ करने की। सो ये पॉइंट नंबर 3 है कि हमेशा जब भी आप कोई भी आर्टिकल या कोई भी एलिमेंट इसमें ड्रॉ करते हैं तो अपने पेपर का साइज़ ज़रूर ध्यान रखें, उसी के अकॉर्डिंग हर चीज़ को ड्रॉ करें। मेरे पास बहुत बार ये क्वेरीज आती हैं कि मैडम, हम साइज़ को या ह्यूमन फिगर को किस तरीके से बनाएं पेपर पर जो हमारा परफेक्टली आ जाए। सो इस चीज़ के लिए आपको प्रैक्टिस, ये सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे बनाने की, उतना ही आपका हाथ सदेगा और चीज़ें सुंदर बनेंगी। तो इस चीज़ के लिए मैं आपसे यही कहूँगी कि छोटी छोटी एलिमेंट्स, छोटी छोटी चीज़ें बनाएं पेपर पे, छोटे पेपर से शुरुआत करें और फिर धीरे धीरे बड़ी चीज़ें बनाना शुरू करें।
सो फ्रेंड्स, अब आता है हमारा फोर्थ पॉइंट, और इस पॉइंट में मैं आपको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगी कि जब हम डिज़ाइन फिल करते हैं हमारे मधुबनी पेंटिंग में, सो एक चीज़ का ध्यान रखें कि जैसे आप ब्लैक पेन से भी काम कर रहे हैं और कलर्स का भी यूज़ कर रहे हैं, सो एक बेसिक सी चीज़ है, जैसे आप मान लीजिए आपने ये, मैं जैसे पिकॉक बना रही हूँ, तो मैंने फैदर में यहाँ तक देखिए ये पेन का वर्क किया है और फिर आगे का पोर्शन छोड़ दिया है, तो वहाँ पर मैं कलर यूज़ करूँगी, बीच में कहीं कहीं कलर यूज़ करूँगी। अगर आप सारे गैप्स में कलर यूज़ करेंगे तो वो उतना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप किसी गैप में लाइंस से फिल करेंगे और किसी गैप में आप उसको कलर देंगे तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल और एक अलग सा लुक आता है जो कि बहुत ही सुंदर लगता है मधुबनी पेंटिंग का। तो इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखें कि हमें हमेशा सारे पॉइंट्स, जो सारे एरियाज़ हैं, उनको कवर नहीं करना है कलर से, कुछ को ब्लैक कलर भी देना है, कुछ को हमें लाइन से फिल करना है और कुछ को हमें कलर्स से फिल करना है। सो इस चीज़ का ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगी फिफ्थ पॉइंट। सो फ्रेंड्स देखिए, जैसे कि हम एक चीज़ जानते हैं कि अगर हम कलर्स यूज़ करते हैं, कलरिंग करते हैं, तो अगर बहुत देर तक कलर्स बाहर हमारे पैलेट में रहते हैं तो वो सूख जाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, क्योंकि देखिए हम सभी जानते हैं, चाहते हैं कि हमारे जो कलर्स हैं वो वेस्ट ना हो, एटलीस्ट हमने जितना निकाले हैं उनको यूज़ कर सकें। पहले इस पूरी पेंटिंग में ग्रीन कलर का काम जहाँ जहाँ मुझे करना था वो मैंने एक साथ कर लिया। इस तरीके से आप कोई भी, जैसे कोई भी कलर यूज़ करते हैं तो पहले उसका वर्क कंप्लीट कर लीजिए, ताकि अगर उसके बाद वो ड्राई हो जाता है तो वो आपका वेस्ट ना हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे आप अपनी जो पेंटिंग है वो किफ़ायती तरीके से बना पाएंगे और बहुत ज़्यादा वेस्टेज नहीं होगी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर कलरिंग तो डन हो गई है और अब जल्दी से मैं अपने पिकॉक को थोड़ा सा और बोल्ड लुक देना चाहूँगी। सो यहाँ पर मैं ब्रश और ब्लैक कलर से यहाँ पर इसको आउटलाइन जो है इसकी थोड़ी बोल्ड करूँगी, जिससे कि मेरा जो डिज़ाइन है और भी सुंदर लगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर फैदर को और एनहांस करने के लिए मैंने ब्लैक कलर से इस तरीके से बॉर्डर दिया है और ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। सो कैसी लगी आपको आज की पेंटिंग? अच्छी लगी तो जल्दी से एक लाइक कर दीजिए, और अगर अभी मेरे आप चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो इसी तरीके की पेंटिंग्स मैं और भी लाती रहूँगी, और भी कुछ नया नया मैंने प्लान किया है इस ईयर में आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए।
सो चलिए अब बारी आती है हमारी बोनस टिप की, तो आइए बोनस टिप भी देख लेते हैं। फ्रेंड्स, आज का जो बोनस पॉइंट है उसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरीके से हम जो मधुबनी पेंटिंग का पेपर है उसको रेडी करेंगे घर पर। जिनको काउडंग मिल जाता है अच्छी बात है, अगर काउडंग नहीं है तो वो क्या यूज़ करेंगे, वो यूज़ कर सकते हैं कॉफ़ी पाउडर। सो कॉफ़ी पाउडर को हमें यहाँ पर वाटर में ऐड करना है और एक बहुत ही अच्छा सा लिक्विड रेडी करना है, बहुत अच्छे से मिलाना है हमें, इसमें बिल्कुल भी ग्रेन्यूल्स नहीं रहने चाहिए। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इस सॉल्यूशन को हमें अप्लाई करना है हमारे शीट पर। तो उसमें भी एक ट्रिक है और उसमें ये है कि जब हम शीट पर इसको अप्लाई करें तो लाइंस फॉर्म नहीं होनी चाहिए, एक स्मूथ सा टेक्सचर हमें मिलना चाहिए पेपर के ऊपर। मैं भी कभी कभी कॉफ़ी पाउडर का भी यूज़ करती हूँ और ये इतना मतलब इसके जो कॉफ़ी लवर्स जो है ना उनको बहुत अच्छी लगेगी इसकी खुशबू और पेंटिंग करने में इतना मज़ा आएगा ना, बहुत मज़ा आएगा। सो ये था आज का वीडियो, कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।